हेलो गाइस, आई एम सतेंद्र और मैं आज आपके पास एक नई बुक लेके आ रहा हूँ रिव्यू के लिए। वो है माइंड इज योर बिजनेस बाय सतगुरु। और इस बुक में दूसरे साइड है बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गैजेट। तो इस बुक को हम रिव्यू करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सतगुरु के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ लीजिएगा, इस बुक में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। बाकी सतगुरु के बारे में यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और ये जो बुक है माइंड इज़ योर बिजनेस, पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगा। इस बुक में माइंड के बारे में बताया गया कि माइंड को लिबरेट कैसे करना है। कहते हैं कि कंट्रोल योर माइंड, इसमें यही बताया गया कि माइंड को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग मीन्स यू आर मेकिंग इट कंपल्सन, कंट्रोलिंग मीन्स यू आर सप्रेसिंग योर थॉट्स। तो सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों सप्रेस करना भाई, क्या जरूरत क्या सप्रेस करने का? लिबरेट करो, ऐसा बनाओ अपने आप को कि जरूरत ना पड़े सप्रेस करने की, कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोलिंग मतलब स्लेव बनाना एक तरह से। अगर जो आपके अंदर कोई डिजायर है जो आपके किसी न किसी वजह से आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप उस डिजायर के स्लेव हो। इसमें वही दिखाया गया है कि अगर जो जैसे किसी का सेक्सुअल डिजायर है जो उसको ओवरकम कर रहा है, मतलब कि उसके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो इतने ज़्यादा उसके उस पर हावी हो गए हैं कि उसको अपना स्लेव बना लिया है, तो सिर्फ आपको स्लेव वाली लाइफ जीनी है या फिर लिबरेट होकर जीना है। इस बुक में यही सब बताया गया है कि कैसे माइंड को कैसे यूज करना है, कि माइंड आपकी बॉडी का ही बॉडी में हर जगह है। जैसे कि सदगुरु कहते हैं कि ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ब्रेन एक जगह स्थिर है लेकिन माइंड एक जगह स्थिर नहीं है। माइंड कई जगह हो सकता है, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर बॉडी, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो वही सदगुरु बोलते हैं कि माइंड को आप कैसे एज ए टूल यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं इसे कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन है, द सर्कस ऑफ माइंड, द गार्बेज बिन, द लैडर टू डिवाइन। ये तीन कंटेंट्स हैं इसके। जो पहली इसमें चलिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बुक। तो पहला बुक हम पढ़ रहे हैं माइंड इज योर बिजनेस, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिव्यू कर रहा हूँ मैं। तो द सर्कस ऑफ द माइंड, माइंड में जो सर्कस चलता है, माइंड का जो सर्कस, सर्कस मीन्स सर्कस इज नॉट अ बैड वर्ड इन इन दिस इन इट सेंस। मतलब कि इसमें एज ए बैड वर्ड यूज नहीं किया गया है सर्कस। उस सर्कस को ये बताया गया कि इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ माइंड बॉडी सोल, इस तरह का है। जो भी आप करते हैं उसमें बहुत सारा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि माइंड को कितने कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो द सर्कस ऑफ द माइंड, इसको काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट किया है इन्होंने। और आगे जाएंगे तो द गार्बेज बिन, द गार्बेज माइंड इज नॉट एनी वन प्लेस, एवरी सेल इन दिस बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस, द ब्रेन इज सिटिंग इन योर हेड बट माइंड इज ऑल ओवर द प्लेस। वही जैसे कि मैं बताया कि ऐसा बताते हैं कि माइंड हर जगह होता है, हर जगह माइंड होता है। ब्रेन तो आपका यहाँ पे स्थित है, तो वो एक जगह है, ब्रेन है। उसके बारे में स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा में आपको बायोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं। बाकी इसमें माइंड के बारे में सतगुरु ने काफ़ी कुछ समझाया है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी हैं इस बुक में, जिसको आप पढ़ करके आप काफ़ी कुछ जान सकते हो। जैसे कि इफ़ यू सिंपली सिट हियर एज ए पीस ऑफ लाइफ, नॉट एज ए मैन और वुमन, नॉट एज ए हिंदू और क्रिश्चियन, नॉट एज इंडियन और अमेरिकन, नॉट एज एनी थिंग, सिंपली एज ए पीस ऑफ लाइफ, यू विल सी द माइंड विल बिकम स्टिल। माइंड स्टिल करने की बात करते हैं ये सतगुरु। ये कहते हैं कि आप 5 दिन तक लगातार एक ही कमरे में रहो, कुछ ना करो, तो उस सिचुएशन को फील करने में कितना अच्छा लगेगा, कि कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपका पूरा जो माइंड है कैसे एकदम खाली रख सकते हो आप। माइंड में जो भी चीज़ चलता है उसके लिए तो माइंड को बनाया नहीं है ना। मतलब माइंड जैसे कि अब जानवरों का है, जैसे टाइगर है, टाइगर के पास क्या है कि उसको खाना है, ठीक है, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं है कि खाना है, उसको मांस खाना है, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि क्या खाना है, नॉनवेज खाना है, वेज खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो लाइफ में जीने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। बट क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव द लाइफ, उसके बारे में इस बुक में काफी डिटेल में बताया गया है, सतगुरु ने बताया है।
और नेक्स्ट पे हम आते हैं द लैडर टू डिवाइन। अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो लैडर टू डिवाइन में इनका एक बात है कि इफ़ यू वॉन्ट टू नो लाइफ इन इट्स इमेंसिटी यू नीड समथिंग मोर देन योर थॉट योर लॉजिक और योर इंटेलेक्ट। अब क्या है कि लॉजिक की बात जब करते हैं और इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि तो लॉजिकल चीजें कब तक टिकी रहती हैं, जितना इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है उसी के हिसाब से आप लॉजिक लगाते हो, ठीक है। क्योंकि अगर जो आप जब तक आपको पता नहीं था कि धरती गोल है तब तक आपको लगता था धरती फ्लैट है, ठीक है। और जब तक आपको नहीं पता था कि सूरज के लाइट से चंद्रमा चमकता है तब तक तो आपको आपके लॉजिक में यही पता लगाता था कि नहीं चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो आपका लॉजिक वहीं तक सीमित है जहां तक आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो योर लॉजिक इज बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन। तो इंटेलेक्चुअल जो है ना इंटेलेक्चुअलशिप अगर जो आपके लॉजिकल बेस्ड है तो वो आपके इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो इसमें वही बात बताने की कोशिश किया है इन्होंने। और तो काफ़ी कुछ इस बुक में मतलब कि राइटिंग स्टाइल तो बहुत अच्छी है, मतलब कि इफ यू विल स्टार्ट रीडिंग इट यू विल ट्राई टू फिनिश इट बिकॉज जेन ऑस्टिन क्या बोलती हैं कि अ वेल रिटन बुक आई फाइंड वेरी शॉर्ट। तो ऐसी ही ये किताब है, बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। और इसमें एक और क्वेश्चन है जो इसका और लेटर टू डिवाइन में के पार्ट में एक और क्वेश्चन है योर माइंड इज नॉट अ सॉलिड स्टेट योर माइंड इज अ फ्लूइड यू कैन मेक इट टेक ऑन एनी शेप। मतलब कि इन्होंने माइंड को बताया कि ये सॉलिड स्टेट का नहीं है, इट्स अ फ्लूइड यू कैन मेक इट द वे यू वॉन्ट इट। कंपल्सन नहीं है कोई चीज की कि आपके लाइफ में किसी चीज का कंपल्सन हो। इस तरह से सदगुरु ने इसको डिफाइन किया हुआ है कि आप अपने माइंड को अपने थॉट को जैसे चाहो वैसा शेप दे सकते हो, जिस शेप में आपको ये माइंड चाहिए जिस शेप में आपको ये बॉडी चाहिए। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ये आता है कि थिंग्स सो पावरफुल इन योर माइंड दैट इट सीम्स रियल इफ यू क्रिएट इट इन योर माइंड एंड एम्पावर इट विथ योर कॉन्सियसनेस इट कैन बिकम अ लाइफ प्रोसेस। इसमें एक क्वेश्चन कोई भी इनका जो चैप्टर इसमें स्टार्ट होता है जैसे आप देखिए इसमें तो कोई भी चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें एक चैप्टर में भी कई सारे पार्ट्स करके दिए हुए हैं और उसमें एक बढ़िया सा कोट दिया रहता है, फिर कोट के बाद से एक क्वेश्चन रहता है उसका आंसर सदगुरु देते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है हाउ डज वन नो वेदर दे आर हेलुसिनेटिंग और एक्सपीरियंसिंग रियालिटी स्पेशली वेन दे आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो इस सब क्वेश्चन का बहुत ही इलेबोरेट वे में सदगुरु ने इसमें जवाब दिया है। बाकी सारा कुछ इस बुक में आपको मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें सदगुरु बहुत अच्छा से इसमें ईसा क्रिया के बारे में बताया गया है कि ईसा क्रिया जो ईसा फाउंडेशन कराती है और वो ईसा क्रिया जो होता है 12 मिनट का एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं कि साधना होती है। उसमें वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि साधना का स्टार्ट कैसे करना है, हाउ इस क्रिया फॉर बिगिनर्स जो स्पिरिचुअलिटी में अभी बिगिन कर रहे हैं मतलब कि जो स्टार्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में खासकर साधना करना या योग करना तो उनके लिए इस क्रिया में वैसे बताया गया है। तो वो आप वहां से देख सकते हो प्रिपरेशन जैसे इसमें दिखाया गया प्रिपरेशन का। फिर आपका एक्चुअली क्या है कि साधना के लिए पहले बॉडी को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर इसके रिपरकेशन भी आपकी बॉडी को ही झेलना पड़ेगा। तो बॉडी को पहले प्रिपेयर करो, पहले अपने लैंड को समझो, अपने जिस एयर में हो जिस मिट्टी में हो उसको समझो। हर चीज़ को फील करने वाली बात है, इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं सदगुरु कि किसी चीज़ में आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है। अब कोई भी चीज़ है अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ऐसे ही बस आपको लग रहा है कि मटेरियल चीज़ों से आपकी लाइफ को वो क्वालिटी मिल जाएगी तो वो ऐसा संभव नहीं है। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अगर आपके इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अनप्रेसिडेंटेड होंगे, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स यू कैन गेट बाय द इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन योर लाइफ। सो तो इसमें इस क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताया है इन्होंने। और तो क्या मैं बताऊँ बाकी तो इनका दूसरा बुक स्टार्ट हो जाता है जिसको मैं दूसरे पार्ट में स्टार्ट करूंगा। ये है आपका बॉडी इज द ग्रेटेस्ट गैजेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
और इस बुक में मतलब दूसरे साइड से आपको लगेगा कि उल्टी है किताब, लेकिन उल्टी नहीं है, ये दो बुक को एज अ डिवाइड करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। थैंक यू वेरी मच।